हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि इंग्लिश में के कब साइलेंट होता है। इसके लिए हमारे पास एक रूल है जो इस प्रकार है, के इज नॉट प्रोनाउंस्ड व्हेन इट कम्स बिफोर एन एट द बिगिनिंग ऑफ ए वर्ड। के इज नॉट प्रोनाउंस्ड व्हेन इट कम्स बिफोर एन एट द बिगिनिंग ऑफ ए वर्ड। इसका मतलब हुआ, जब किसी भी वर्ड के प्रारंभ में एन से पहले के आए तो के साइलेंट होता है, के को नहीं पढ़ा जाता है। हम इसको इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, जब किसी भी वर्ड के प्रारंभ में के और एन आए तो के हमेशा साइलेंट होता है, के को नहीं पढ़ा जाता है। इसीलिए हमारे पास आज कुछ एग्जांपल्स हैं जो इस प्रकार है। हमारे पास पहला एग्जांपल है नाइफ। जो नाइफ वर्ड है, इस वर्ड की शुरुआत भी के एन से हुई है और एन से पहले के आया है। जब एन से पहले के आए किसी भी वर्ड के प्रारंभ में तो के साइलेंट होता है, के को नहीं पढ़ा जाता है। इसीलिए हमने इस वर्ड को नाइफ पढ़ा है, का नाइफ नहीं पढ़ा है। अब हमारे पास दूसरा एग्जांपल है नो। इस वर्ड की शुरुआत भी के एन से हुई है और एन से पहले के आया है। जब एन से पहले के आए तो के को नहीं पढ़ा जाता है और इस वर्ड की शुरुआत हम एन से करते हैं, इसीलिए हम इसको पढ़ते हैं नो, इसको का नो नहीं पढ़ते हैं। अब हमारे पास तीसरा एग्जांपल है नॉलेज। नॉलेज वर्ड की शुरुआत भी के एन से हुई है और एन से पहले के आया है, जो के साइलेंट होता है। इसीलिए हमने नॉलेज वर्ड में भी के को नहीं पढ़ते हैं, इसको साइलेंट रखते हैं, इसीलिए हमने इस वर्ड को पढ़ा है नॉलेज। अब हमारे पास चौथा एग्जांपल है नॉक। नॉक वर्ड की शुरुआत भी के एन से हुई है और एन से पहले के आया है, जो कि साइलेंट होता है। जब एन से पहले के आए तो के को नहीं पढ़ा जाता है और इस वर्ड की शुरुआत हम एन से करते हैं, इसीलिए हमने इस वर्ड को कनॉक नहीं पढ़ा है, इस वर्ड को हम पढ़ेंगे नॉक, क्योंकि के क्या होता है, साइलेंट होता है। अब हमारे पास अंतिम एग्जांपल है नीड। नीड वर्ड की शुरुआत भी के और एन से हुई है और एन से पहले क्या आया है, के। जब एन से पहले के आए तो के को नहीं पढ़ा जाता है, के क्या होता है, साइलेंट होता है, और इस वर्ड की शुरुआत हम एन से करते हैं, इसको पढ़ते हैं हम नीड, इसको कनीड नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि एन से पहले जब किसी भी वर्ड की शुरुआत में के आए, के हमेशा साइलेंट होता है, के को नहीं पढ़ा जाता है। आज हमने जाना कि जब किसी भी वर्ड के प्रारंभ में एन से पहले के आए या शुरुआत में के एन आए तो के हमेशा साइलेंट होता है, के को नहीं पढ़ा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।